हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मी यूआई 12 के साथ एंड्रॉयड 11 का अपडेट कौन कौन से शॉमी के डिवाइसेस को मिलने वाला है और उसके साथ आपके पास जो शॉमी का फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलेगा कि नहीं, सो यार इस वीडियो में पूरा कन्फर्म हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मी यूआई 12 के साथ एंड्रॉयड 11 का सबसे पहला बीटा अपडेट मी 10 और मी 10 प्रो, ये जो शॉमी के लेटेस्ट फ़ोन है इनको यार कल मिल चुका है। सो ये एक टेस्टिंग अपडेट है, सो यार इसमें छोटे मोटे बग्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे मी 10 और मी 10 प्रो ये सबसे पहला शॉमी के फ़ोन्स है, इनमें आपको एंड्रॉयड 11 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पोको F2 प्रो ये थर्ड डिवाइस होने वाला है जिसमें आपको एंड्रॉयड 11 का बीटा अपडेट मिलने वाला है। अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, ये कमिंग सून है, ऐसे पोको ने अनाउंसमेंट किया है। उसके साथ कौन कौन से दूसरे डिवाइस को एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिलेगा ये यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो। गिज्मो चाइना एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ के 99% न्यूज़ सही होते। पोको F1, पोको X2, रेडमी K20 प्रो, रेडमी K20, रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और बहुत सारे डिवाइसेस है मी मिक्स सीरीज़ के, इनमें भी आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार इनके हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं और एंड्रॉयड का एक लिमिटेशन होता है हार्डवेयर के बेसिस पे। सो यहाँ पे मुझे रेडमी नोट 7S यहाँ पे देखने को नहीं मिले, क्योंकि यार हार्डवेयर की लिमिटेशंस होती है, पर देखते हैं कि आने वाले कल में आपको इनमें से और कौन कौन से डिवाइस इसमें ऐड हो जाते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। पर यहाँ पे पोको X2, पोको F1, रेडमी K20 प्रो, रेडमी K30 इनको यार फिक्स अपडेट मिलेगा। सो आपके पास कौन सा डिवाइस है ये मुझे नीचे जरूर कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।